वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्कूल आल्सो। आज हम लोग सीखने वाले हैं वाज और वेयर का प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ क्या लगने वाला है। तो ये सब सब्जेक्ट हैं आई। पिछली वीडियो में जब हम लोग इज एम आर का यूज पढ़ रहे थे तो आई के लिए एम का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन यहां पर आई के लिए वाज का इस्तेमाल होगा। और वाई हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर होने के वजह से यहां पर वाज लगेगा। तो आई के साथ वाज लगेगा, ही सी इट नेम, इन सब के साथ वाज लगेगा। यानी ये भी है और इसके साथ साथ अगर एक वचन है यानी सिंगुलर है तो उसके साथ भी वाच का ही इस्तेमाल होगा। जैसे अगर यहां पर बॉय लिखा हुआ है, BOY, तो यहां पर भी हम वाच का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इसमें देखिए, यही बॉय बॉयज हो गया, तो ये हो गया हमारा बहुवचन। तो जब बहुवचन हो जाएगा तो वेयर का, आज जब सिंगुलर होगा तो वाज का। तो यहाँ बॉय है और यहाँ बॉयज है, तो ये बॉयज हो गया प्लूरल और बॉय हो गया सिंगुलर। तो सिंगुलर में हमेशा वाज आएगा और प्लूरल में हमेशा वेयर आएगा। ये चार टाइप के यहाँ सीखेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, तो ये आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंस हम यहाँ लिखे हुए हैं, इन्हीं सेंटेंस का हम लोग इंग्लिश बनाने के बाद इन्हीं का हम लोग निगेटिव बनाएंगे और इन्हीं का इंट्रोगेटिव बनाएंगे और इन्हीं का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट। राम एक राजा था, है ना। अब आपको ढूंढना है सब्जेक्ट कौन है। राम एक राजा था, कौन एक राजा था, राम था ना, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो राम क्या है, नाम है, इसलिए नाम या नेम लिखा हूं। और नेम का मतलब चाहे राम हो, मोहन हो, सीता हो, गीता हो, कुछ भी हो, वह सब नेम में आ जाएगा। और जब नेम आ गया, नाम आ गया, तो आप क्या लगाने वाले हैं, वाज। राम के साथ, मोहन के साथ, ये अगर सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो निश्चित तौर से वाज लगेगा। लेकिन यही अगर कहते राम और मोहन, तो आप बताइए एक ही सेंटेंस में राम और मोहन कह दिया तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि राम और मोहन दो व्यक्ति हो गए, और दो व्यक्ति होने से वाज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इंग्लिश बनाते हैं। ओके, राम एक राजा था, राम एक राजा था, तो राम नाम है, नाम के साथ वाज लगेगा। तो सबसे पहले हम राम का अंग्रेजी बनाएंगे, RAM, राम हो गया ना। अब बताइए राम के तुरंत बाद क्या लगने वाला है, वाज लगने वाला है, तो यहां पर लगा देंगे वाज। ओके, यहां पर लग गया वाज, राम वाज, राम था। इतना अंग्रेजी अब बना लिए, राम था हो गया, राम वाज, राम था। क्या राम था, एक राजा। तो एक राजा और किंग, स्टॉप। राम वाज किंग। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया ना कि राम एक राजा था। वाज क्यों लगा, क्योंकि नाम है, नाम में वाज लगेगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाज आ जाएगा, पॉजिटिव वाले में, ठीक है। ओके, ये पॉजिटिव का फार्मूला है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वाज आएगा या वेयर आएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वाज और वेयर आएगा। सब्जेक्ट ही तो बताएगा कि वाज लगाना है कि वेयर लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वेयर लगाना है। बात समझ रहे में आ रही होगी ना। अब देखिए, अगर यह रमेश मेरा मित्र था,
ठीक है, रमेश मेरा मित्र था, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? तो रमेश तो नाम है, तो रमेश का रमेश लिख दीजिए। अब बताइए रमेश के साथ क्या लगने वाला है, वाज लगेगा कि वेर लगेगा? तो वाज लगेगा। उसके बाद मेरा मित्र, रमेश था तो हो गया, रमेश था, क्या था? मेरा मित्र, तो माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा हमारा? माई फ्रेंड, FRIEND। इस तरह से हम डॉट लगा देंगे और दूसरे सेंटेंस का इंग्लिश ऐसे ही बनाएंगे। अभी इसको हम लोग निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, चार तीनों प्रकार के हम बनाएंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस दिया है, वह वहां था। तो वह वहां था कैसे बनेगा? वह वहां था, पहले देखना है कि ये स्त्री है कि पुरुष है। तो सेंटेंस से पता चल गया कि वह वहां था, इससे पता चल रहा कि ये पुरुष ही है। तो पुरुष के लिए वह की अंग्रेजी ही होता है। जैसे यहाँ देखिए ही होता है, तो वह की अंग्रेजी यहाँ पर ही लगाएंगे। ही माने वह। तो इसकी इंग्लिश शुरुआत कैसे होगी? ही से होगी। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग ही, ठीक है। और ही के बाद क्या आने वाला है? वाज या वेयर। अब ही बताएगा, ही से ही पता चलेगा कि वाज लगेगा कि वेयर लगेगा। तो ही के साथ वाज लगता है, तो हम लोग यहाँ क्या लगाने वाले हैं? वाज लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा वाज। ओके, उसके बाद वह था कि अंग्रेजी बन गया वहां। वहां के अंग्रेजी होता है देयर, है ना? तो देयर लिख लेंगे, देयर मीन्स वहां। तो हो गया TH ER E, देयर। देयर मीन्स वहां। तो ये चीज हो गया, ही वाज देयर, वह वहां था। अब आगे सेंटेंस देखिए, वे वहां उपस्थित थे। तो दे, वे का अंग्रेजी अब देखना होगा, वे की इंग्लिश होती है दे। तो दे का स्पेलिंग TH EY, जैसे कि दे है ना यहाँ पर, तो दे के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? बहुवचन है, जब प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो वहां पर वेयर आएगा। तो यहाँ पर इसके तुरंत बाद हम लोग वेयर लगाएंगे, दे वेयर, ठीक है ना? अब देख लीजिए ना, जैसे सब्जेक्ट लिख रहा है तुरंत बाद वेयर आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही आ रहा है। सब्जेक्ट ही तो बताएगा कि वह आ जाएगा कि वेयर आएगा। तो हम किस पर निर्भर रहेंगे? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट ही बताएगा कि वाज आएगा कि वेयर आएगा। अगर ये वी यू दे बॉयज वगैरह इस तरह का बहुवचन आएगा तो निश्चित वेयर आएगा, और ये सब रहेंगे तो वाज आएगा, ठीक है? तो दे वेयर वे थे हो गया, वहां उपस्थित। तो उपस्थित का पहले लिखेंगे तो उपस्थित का हो जाए प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। तो PRESENT, प्रेजेंट। और उसके बाद वहां कहीं सभी लिखे हैं आप देयर, तो देयर लिख दीजिए, TH ER E, फुल स्टॉप, ठीक है ना? हो गया, कितना आसान है। अब अगला देखते हैं, वह सोया हुआ था। आप बताइए पुरुष है कि स्त्री है? इस सेंटेंस से पढ़ने से कैसे क्या पता चल रहा है, पुरुष का बोध हो रहा है कि स्त्री का? तो सिंपल सी बात है कि इसमें पुरुष का बोध हो रहा है, वह सोया हुआ था। तो जब वह सोया हुआ था तो निश्चित पुरुष है, तो वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ही मीन्स वह होता है। तो यहां हो गया HE, और ही के साथ क्या लगाने वाले हैं बताइए? वाज या वेयर में से कोई एक लगाने वाले हैं, क्या लगाएंगे आप? वाज लगाएंगे। तो यहां पर लगा लेंगे वाज, सोया हुआ एस्लीप लिख देंगे। ये हो गया आपकी इंग्लिश, ठीक है? इस तरह से इसका भी हम बना लिए हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, वह अमीर औरत थी, है ना? तो औरत से ऐसे ही पता चल गया कि ये स्त्री है कि पुरुष है, तो स्त्री है, औरत का मतलब स्त्री ही होता है। तो आप
वाक्य अंग्रेजी यहां सी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? CSHE, सी। उसके बाद सी के साथ आपको वाद ही लगाना है, तो ये वाद ही लगाएंगे। तो वाद हो गया सी वाद, और रिचोमेन अ रिच ओमेन, ओमेन मीन्स औरत, है ना, ओमेन मीन्स औरत। तो ये सी वाज अ रिच ओमेन, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरे मित्र दो सी थे। मेरे मित्र यानी माई फ्रेंड्स। अब यहां देखना पड़ेगा कि एक वचन है, बहुवचन है। मेरे मित्र दोषी थे, इसका मतलब है कि एक नहीं है, कई हैं। तो इस केस में आपको फ्रेंड्स लिखना, फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स लिखना है। और जब बहुवचन आ गया तो यहां वेयर आएगा, वाद नहीं वेयर आएगा। तो माई फ्रेंड्स, FRIENDS, माई फ्रेंड्स वेयर। क्यों वेयर आया भैया? क्योंकि ये प्लूरल है ना। तो माई फ्रेंड्स वेयर दोषी, दोषी दोषी मतलब होता है गिल्टी। तो यहां गिल्टी लिख देंगे GULTY, है ना। माई फ्रेंड्स वेयर गिल्टी, यानी मेरे मित्र जो थे दोषी थे। आगे देखिए, वह मेरे साथ पढ़ता था, है ना, वह मेरे साथ पढ़ता था। तो वह की अंग्रेजी ही लगेगा, क्योंकि इसमें पुरुष का बोध है, पुरुष के लिए ही लगता है। तो यहां हो जाएगा ही। देखिए इसका सेंटेंस यहां पर बन रहा है, ये यहां पे ही। उसके बाद ही के लिए क्या आएगा? वाज आएगा कि वेयर आएगा? वाज आएगा ना, यहां लगा देंगे हम लोग वाज मेरे साथ पढ़ता। तो देखिए, मेरे साथ पढ़ता था, अगर कोई मेरे साथ पढ़ा हो, आपके साथ पढ़ा हो, तो उसको क्लास फेलो बोलते हैं, ठीक है ना, उसको क्लास फेलो बोलते हैं। यानी कि ही वाज माई क्लास फेलो, यानी वो मेरे साथ पढ़ा, मेरे साथ पढ़ता, यानी कि माई क्लास फेलो, ठीक है। ये यूज होता है, माई क्लास फेलो मतलब हमारे साथ पढ़ता था, मेरे साथ पढ़ता था, हमारे नहीं मतलब मेरे साथ पढ़ता था, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ही वाज माई क्लास, CLASSELLOW, FELLOW, माई क्लास फेलो। अब माई क्लास फेलो, देखिए यहां पर ये हो जाएगा डैश। अगला देखिए लिखा है वह खुश थे, तो इसमें स्त्री का बोध है, इसलिए वह के लिए हम लोग ही नहीं सी लगाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे, ये हो गया CSHE, ये SHE हो गया। उसके बाद सी के लिए वाज या वेयर में से क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो यहां हम लोग वाज लगा लेंगे, ठीक है। अब खुश, खुश होना यानी खुश का इंग्लिश लिखते हैं तो हैप्पी लिखते हैं, तो यहां हो गया हैप्पी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है वह खुश था, यहां पुरुष का बोध है, इसलिए ही नहीं, यहां पर सी नहीं ही लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ही, और ही हो या सी हो, दोनों के साथ वाज आएगा, तो यहां पर वाज लगा देंगे। तो ही वाज यहां भी हैप्पी रहेगा, तो इसको लिख देंगे हैप्पी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, वे सब अध्यापक थे, वे सब अध्यापक थे, तो वे सब हो, वे सभी हो, वे सभी लोग हो, या केवल वे हो, तो इन चारों हो, चाहे इस तरह का मिलता जुलता हो, तो इस सब के लिए क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं। वे सभी के लिए दे, वे लोग उसके लिए भी दे, वे सभी लोग इसके लिए भी दे का ही इस्तेमाल करेंगे। तो और सिर्फ वे रहे तो भी दे का इस्तेमाल करते हैं।
तो दे यहां लगा सकते हैं, तो वे सब की इंग्लिश हो जाएगी दे। अब आपको बताना है दे के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, तो दे के साथ वेयर लगता है क्योंकि ये प्लूरल में आता है, तो यहां पर लगा देंगे हम लोग वेयर, ठीक है। उसके बाद अध्यापक टीचर, इसकी इंग्लिश लिख देंगे टीचर, तो टी ई ए सी एच ई आर एस लिख दीजिए टीचर्स, दे वेयर टीचर्स, क्योंकि एक नहीं बहुत है तो इस टीचर्स लिख देंगे, ओके। लड़के खिलाड़ी थे, तो लड़के लड़का नहीं लड़के, तो लड़के बहुवचन में आएगा इसलिए यहां पर हम लोग वेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो लड़के मतलब बॉयज, बॉय नहीं बॉयज, बी ओ वाई एस, और जब बहुवचन हो जाता है तो यहां वहां पर वेयर का इस्तेमाल होता है, तो यहां लिख देंगे हम लोग वेयर, ठीक है। और खिलाड़ी का इंग्लिश प्लेयर होता है, तो इसको प्लेयर लिख देंगे यहां पर, ठीक है। अब देखिए ये आपका पॉजिटिव बन गया, अब आपको इसका निगेटिव बनाना है, इस सभी सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, बस जहां ये वाज और वेयर लिखा है उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, यानी कि निगेटिव बनाने के लिए वाज और वेयर जहां भी लिखा है उसके बाद आपको नॉट लगाना है। जैसे यहाँ निगेटिव का मैं एक टेबल बनाया हूँ, वहां पर एक सेंटेंस हम बना दिखा रहे हैं, जैसे पहला ही सेंटेंस है राम वाज अ किंग, राम एक राजा था, इसका आप निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, राम एक राजा नहीं था, तो इंग्लिश बदल जाएगी राम वाज नॉट अ किंग, यहां हो जाएगा राम, उसके बाद हो जाएगा वाज नॉट अ किंग, ठीक। अब देखिए यहां पर वाज नॉट क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव होने से वाज नॉट यहां आ जाएगा, तो राम वाज नॉट अ किंग, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो देखिए पॉजिटिव का ही आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, हमेशा पॉजिटिव का, यानी कि यहाँ पॉजिटिव है तो इसी का ही बनाना है, कभी नेगेटिव का भी पॉजिटिव बनता है और नेगेटिव का इंट्रोगेटिव भी बनता है, लेकिन हम लोगों को सीखना है कि पॉजिटिव हो तो उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो पॉजिटिव का ही इंट्रोगेटिव बनाना है और पॉजिटिव का ही निगेटिव बनाना है और पॉजिटिव का ही इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बना हुआ इसी का बार बार हम इसको चेंज करेंगे निगेटिव में इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो सबसे पहले राम वाज अ किंग, राम वाज नॉट अ किंग, ये हो गया आपका निगेटिव। अगर आप चाहते हैं इसी का इंट्रोगेटिव बनाना, जैसे इसका आप निगेटिव बना दिए तो ये हो गया, और इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसका अगर हम निगेटिव बनाते तो ये हो गया, और इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, तो जो ये रेड वाला आप देख रहे हैं ना, जो ये रेड वाला है यही पहले आ जाएगा, तो राम वाज है तो इसको वाज राम लिखेंगे उल्टा करके, यानी राम वाज राम लिख दीजिए, तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, बस क्रम बदल देना है, यानी राम वाज को क्या लिखना है, वाज राम लिखना है, तो ये हो गया हमारा वाज राम, ठीक है। अब राम नाम है नाउन है, तो ऐसे केस में ये कैपिटल ही होगा, चाहे वो बीच में आए शुरू में आए कहीं भी आएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, तो वाज राम। अब यहां पर जब इसके क्रम को हम बदल देंगे तो सीधे प्रश्न जो पॉजिटिव था वो इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में मतलब हिंदी क्या हो जाएगी, क्या राम एक राजा था, यानी कि अगर प्रश्न कर दिया जाए क्या शब्द से शुरू में क्या आए, तो ऐसे के लिए वाट नहीं वाज लिखेंगे आप, यानी कि यही वाज अगर राम के बाद है तो यह वाज का मतलब था थी थे होता है, लेकिन वह यही वाज अगर पहले आ गया शुरुआत हो रही है अगर वाज से, तो कभी भी वाज का इंग्लिश हिंदी
सॉरी हिंदी था थी थे नहीं होगा, वाज का हिंदी क्या होगा? क्या अगर शुरू में आया है यानी वाज शुरू में आया है हिंदी क्या होती है? था थी थे नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है, वाज को अगर हम शुरू में ला देंगे तो ये हो जाएगा क्या, अगर बाद में रहेगा तो ये हो जाएगा था थी थे। जो भी है वाज ही नहीं वेयर भी सबके साथ वही है, मतलब दोनों के साथ। वाज राम, इसका अर्थ क्या हो गया? क्या राम। अब रामवाज का अर्थ क्या हुआ? राम था। वाज राम का मतलब क्या राम, ठीक है। तो वाज राम का मतलब क्या राम। अब यहां पर जब इसको आप क्रम बदल दिए हैं तो बच क्या गया? अकिंग। अकिंग बचा है, उसमें नहीं बदल रहा उसको, तो वैसे ही उतार देना है। तो यहां पर हो गया अकिंग, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे आप, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगाना आपके लिए अनिवार्य है क्योंकि वो सूत्र है, उसमें रहना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न है तो रहना जरूरी है, स्वाभाविक है। अब यहां पर इसको हम किसे बदल दिए? इंट्रोगेटिव में। अब आपको बदलना है इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो आप इंट्रोगेटिव में बदले हैं वही चीज आपको यहां उतारना, बस राम के बाद नाट लगाना है, ठीक है। राम के बाद नाट लगा देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। अब देखिए ये क्या है, रामवाद नाटकिंग, ये क्या है? राम एक राजा नहीं था, लेकिन इसी में से अगर वाच को हम ले आके पहले लिख दे बाकी कुछ भी डिस्टर्ब ना करे तो देखिए क्या रह जाता है। अगर इस वाच को हम ले आके पहले लिख दें तो क्या आखिर चेंज हो रहा है? बस ये रामवाद है, वाद राम हो जाएगा, बाकी नाटकिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? तो नॉट अ किंग रहेगा ही। तो वही बात है, अगर आपको चाहते हैं आप नेगेटिव बना रहे और इंट्रोगेटिव भी हो जाए तो इंट्रोगेटिव बनाने का सीधा रास्ता है, वाज को आपको पहले लिखना होगा, वाज या वेयर को पहले लिखना होगा अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं तो आपको वाज पहले लिखना होगा, सीधी बात है। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब है, इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया प्रश्नवाचक और निगेटिव का मतलब हो गया नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक भी हो नकारात्मक भी हो, तो इसमें देखिए नकारात्मक तो है ही है, नाट का मतलब नकारात्मक तो है ही है। अब प्रश्नवाचक बनाना है तो वाच को पहले लिखना है, अगर हम शुरू में ही वाच लिख देंगे तो प्रश्नवाचक हो ही जाएगा, तो इसलिए इसकी इंग्लिश बनने वाली है राम वाज नहीं वाज राम। तो इसको लिख दिया जाए वाज राम, तो यहां हो जाएगा हमारा वाज, उसके बाद हो जाएगा राम, ठीक है। नाटकिंग तो रहेगा, मैं बताया ना नाटकिंग, नॉट नेगेटिव बनाना था इसलिए नाट रहेगा ही, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे आप, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, आप हिंदी में भी लिख रहे हैं तो भी नहीं भूलना है। तो देखिए राम वाज नाटकिंग, वाज राम अकिंग, वाज राम नाट अकिंग, ठीक है। तो आपका नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इस तरह से ये सभी जो सेंटेंस आपके सामने हैं जो पॉजिटिव बन चुका है इसका आपको नेगेटिव बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहला चीज मैं आप बता दिया, राम वाज अकिंग ये पॉजिटिव है, राम वाज नॉट अकिंग ये नेगेटिव है, वाज राम अकिंग इंट्रोगेटिव है, वाज राम नॉट अकिंग ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसी तरह से आपको ये बनाना है रमेश मेरा मित्र था, रमेश मेरा मित्र था, इसका पॉजिटिव क्या होगा? रमेश वाज अ माय फ्रेंड, एक मित्र था, या माय फ्रेंड लिख देंगे वो भी चलेगा। तो रमेश वाज माय फ्रेंड, रमेश मेरा मित्र था। निगेटिव बनाइए रमेश वाज नॉट माय फ्रेंड, इंट्रोगेटिव बनाइए वाज रमेश माय फ्रेंड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए वाज रमेश नॉट माई फ्रेंड। इस तरह से आपको चारों बना लेना है। एक सेंटेंस आगे देख लेते हैं, वह वहां था, तो वह वहां था ही वाज देयर, वह वहां नहीं था ही वाज नॉट देयर, क्या वह वहां था तो वाज ही
ठीक है, क्या वह वहां नहीं था, वाज ही नॉट देयर, इस तरह से आप बनाएंगे। आगे देख लीजिए, वे वहां उपस्थित थे, तो यहां पर वेयर आया है तो दे वेयर प्रेजेंट देयर, अगर आपको निगेटिव बनाना है तो दे वेयर नॉट प्रेजेंट देयर, अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो वेयर दे प्रेजेंट देयर, अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो वेयर दे नॉट प्रेजेंट देयर, इस तरह से बना लेंगे। आगे है, वह सोया हुआ था, ही वाज स्लीप, अब इसको निगेटिव बनाना है तो वही नॉट लगा देना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाज को पहले लाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो वाज पहले आएगा फिर सब्जेक्ट, यानी कि जो भी रहेगा सब्जेक्ट वो आएगा उसके तुरंत बाद नॉट आएगा, इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। इसी तरह सब आप बना लेंगे, एक दो संदेश हम लोग और देख सकते हैं। वह मेरे साथ पढ़ता था, ही वाज माई क्लास फेलो, ऐसे इसका बन गया पॉजिटिव, ही वाज नॉट माई क्लास फेलो, नहीं पढ़ता था, मेरे साथ नहीं पढ़ता था, हो गया ना। अब इसको आपको अगर बताना है कि इंटरोगेटिव में क्या वो मेरे साथ पढ़ता था तो वाज पहले आएगा, वाज ही माई क्लास फेलो। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाना है तो वाज ही नॉट माई क्लास फेलो, इस तरह से आप बना सकते हैं। वह खुश थी, ये स्त्रीलिंग का बोध है तो सी वाज होगा, सी वाज हैप्पी, अगर नेगेटिव बनाना है तो सी वाज नॉट हैप्पी, इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाज सी हैप्पी, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वाज सी नॉट हैप्पी, इस तरह से आप बना सकते हैं ये चारों प्रकार में। तो ऐसे ही आपको बना लेना है और एक साथ इसको बोलना भी है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे, लिख लेंगे, बना लेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।